आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। गोंडा विकास खंड कटरा बाजार के ग्राम पंचायत सहरिया कला में सांसद प्रतिनिधि कैसरगंज सुनील सिंह ने आर्मी प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ फीता काटकर किया। इस केंद्र की शुरुआत होने से क्षेत्रीय युवाओं में काफी खुशी देखी गई। वह इस कार्यक्रम के दौरान सांसद प्रतिनिधि ने बताया कि अब ग्रामीण क्षेत्र में भी युवा सेना का बेसिक प्रशिक्षण पाकर अपने आत्मबल को मजबूत कर सकते हैं, जबकि कार्यक्रम का आयोजन सेवानिवृत्त फौजी अनिल सिंह द्वारा किया गया, जो अब क्षेत्र में निशुल्क आर्मी प्रशिक्षण केंद्र का संचालन करेंगे। तो खबर गोंडा से निकल के सामने आ रही है, जहां पर निशुल्क आर्मी प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया। इससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अब युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए यह एक अच्छा अवसर दिया जा रहा है, जिससे युवाओं को बिना कहीं बाहर जाए अपने ही क्षेत्र में आर्मी की ट्रेनिंग दी जाएगी। मैनपुरी कस्बा औच्छा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए एटा मैनपुरी सड़क से अस्पताल जाने वाले 20 बेड का हॉल बनाने के लिए ठेकेदार ने काम शुरू किया तो लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद ठेकेदार ने मनमानी करते हुए रास्ते के बीच में ही गेट लगा दिया। और जब ग्रामीणों ने ठेकेदार से इस मामले पर बात की तो उसने साफ तौर पर कहा कि उसको मुख्य चिकित्सा अधिकारी से आदेश मिलने के बाद ही उसने ये गेट लगाया है, जिसके बाद लोगों का आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया और मौके पर ही सीएमओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी देखने को मिली। किया है सर, यहाँ पर गेट था पहले, अच्छा, हॉस्पिटल के लिए रास्ता थी जी, और इधर सब लोग बल्लमपुर और मतलब चारों तरफ से आप सब लोग डॉक्टर के पास आते थे जी, और 20-25 साल पहले से यहाँ पर गेट खोला था, यहाँ गेट लगा था, फिर पता नहीं वो टूट फूट गया, फिर यहाँ पर अब जो डॉक्टर लोग बिल्डिंग बना रहे हैं और 20 साल से रास्ता चालू थी और रास्ता बंद करवा रहे हैं। अस्पताल के लिए रास्ता दिया जाए इसलिए किया है। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या रास्ता अवरोध की जा रही है? हाँ, यहाँ पे रास्ता बंद किया जा रहा है, जिससे कि लोग पहले कई सालों से इस रास्ते से आते जाते हैं, ये एक तरह से मेन रास्ता है, लेकिन अगर ये रास्ता बंद हो गया तो बड़ी मात्रा में लोग नहीं आ पाएंगे। ये रास्ता पक्की है और कई सारे लोग इस रास्ते को जानते भी। कहाँ से आ रही है ये रास्ता? ये रास्ता कई गाँव को जोड़ती है। नहीं, ये कहाँ से है, कौन सी जगह से? ओंछा से, मैनपुरी से, कई जगह से जोड़ती हुई आती है। अगर हम बाहर बात, मेन वाला रोड है ओंछा वाला जी, वहाँ से भी बिल्कुल मेन रास्ता है और पक्की सड़क है। अच्छा, तो इससे आने में लोगों को कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर इस रास्ते को फरुखाबाद में भाजपा नेता और मंडल अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा संजीव सिंह अपनी पत्नी की याद में बीते वर्षों से लगातार ही गरीब बालिकाओं की शादी में 11,000 की आर्थिक सहयोग की मदद करते आ रहे हैं। और एक बार फिर भाजपा नेता ने एक गरीब परिवार का सहारा किया और उनका प्रण है कि जब तक वो जीवित रहेंगे गरीब परिवार की मदद करते रहेंगे। आगे संजीव सिंह ने कहा कि सुनीता कन्या धन प्रोग्राम और RL हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से गरीब बालिकाओं की शादी में 11,000 रुपए दिए गए हैं और आगे भी वो अपनी क्षमता के अनुसार गरीब बच्चियों की मदद करते रहेंगे। पूरी मामला ये है सर, इनमें यहाँ पर गरीब बस्ती में और बहुत गरीब हैं ये, उनके पति की डेथ हो चुकी है और इनका लड़का थोड़ा माइंड से डिस्टर्ब है, इनको कोई सहायता देने वाला नहीं था। तो मैंने अपना एक प्रण लिया था, जो मैं अपना प्रण पूरा कर रहा हूँ। मेरी मिसिस की डेथ अगले साल 3 अप्रैल को हुई थी। अच्छा, 2021 में हुई? 2021।
गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में NH 9 पर लोहे के सरिये से भरी एक ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली को एक कैंटर ने टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली को जोड़ने वाला हुक टूट गया और सरिये से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली एक सवारियों से भरे ऑटो के ऊपर पलट गई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां से दो लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें दिल्ली के GTB अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हमारे थाना विजयनगर को ये सूचना प्राप्त होती है कि ABS कट जो हमारे थाना विजयनगर के अंतर्गत पड़ता है, उसमें एक डंफर चालक द्वारा जो है एक ट्रैक्टर और ट्रॉली को साइड से एक्सीडेंट होता है और फिर वह ट्रॉली जाके एक ऑटो के ऊपर पलट जाती है, जिससे ऑटो में सवार लगभग 5 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से उन लोगों को प्राथमिक उपचार और बेहतर उपचार के लिए हमारे यहाँ MMG हॉस्पिटल लाया जाता है, जिसमें से अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार 2 लोगों को दिल्ली जो है रेफर किया गया है और बेहतर उपचार के लिए गंभीर हालत बताते हुए। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से लगभग 6 महीने पहले लापता हुए मंदबुद्धि बच्चे को स्टेट क्राइम की टीम ने खोजकर उसके परिजनों के हवाले करने में कामयाबी हासिल की है। गैरतलब है कि बच्चा मंदबुद्धि है, जो बोलने और सुनने में भी असमर्थ है। इसी के चलते बच्चा घर से भटक गया था और भटकते भटकते पाली स्थित अनादि वृद्ध सेवा सदन आश्रम में जा पहुंचा, जहां पिछले 6 महीने से वो रह रहा था। आपको बता दें कि इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि इस बच्चे के गुम होने की सूचना बल्लभगढ़ के आदर्श नगर थाने में दर्ज कराई गई थी। इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े किए गए थे कि 6 महीने से बल्लभगढ़ आदर्श नगर थाने की पुलिस के हाथ और पैर अभी तक दोनों ही खाली रहे, क्योंकि पुलिस द्वारा बच्चे को ढूंढने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद बच्चे को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। ये मेरे देवर हैं सचिन, जो मानसिक तौर से स्थिति सही नहीं है उनकी, बचपन से ही ऐसे ही है। अचानक ही घर से दिमाग ऐसा ही हो गया था, निकल गए। कितने महीने पहले से लापता हुए? 6 महीने 13 दिन हो गया आज सर। क्या कहेंगे अब, आपके देवर मिल चुके हैं, अब स्टेट क्राइम ब्रांच के SI ने कहीं ना कहीं ढूंढ निकाला है इनको, क्या कहेंगे आप पुलिस के पहले? मैं तो इनका धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से कि ये जो भी हुआ है सर की मेहनत का नतीजा है, और साथ में उनका धन्यवाद करती हूँ। ये बच्चा, इसका नाम सचिन है, ये बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, और इसका मुकदमा आदर्श नगर थाने में 206 नंबर मुकदमा है। करीब 6 महीने पहले इसका मुकदमा दर्ज हुआ था और DG क्राइम OP सिंह साहब के आदेश अनुसार ये मुकदमा हमारे स्टेट क्राइम में जाँच के लिए आया। इस मुकदमे में करीब मैं 2 महीने से जाँच कर रहा था, और हमने अपने जिले का, दिल्ली NCR का, आसपास के, क्योंकि बच्चा ना तो बोल सकता है ना सुन सकता है, थोड़ा दिमागी रूप से कमजोर है, तो जो आदमी फिट हो उसको हम। फरीदाबाद से निकल के सामने आ रही है, जहां 6 महीने पहले लापता हुए एक मंद बुद्धि के बच्चे को पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि तकरीबन 6 महीने पहले से बच्चा लापता था और बच्चे को लोकल पुलिस नहीं खोज पाई थी, और अब स्टेट क्राइम की टीम ने बच्चे को ढूंढ निकाला है, जिससे साफ तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान भी खड़े किए गए थे कि पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है और कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे बच्चे को नहीं खोजा जा पा रहा है। वही अब स्टेट की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। हरदोई में बिजली विभाग की लापरवाही उजागर हुई है। कहा जा रहा है कि फॉल सही करते समय लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई थी, जिसकी सूचना पाकर मंझला पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने लाइनमैन के शव को 6 घंटे बाद उतरवाया। वही सूचना पर मृतक लाइनमैन के परिजनों में कोहराम मच गया है। फिलहाल पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो खबर हरदोई से निकल के सामने आ रही है, जहां करंट लगने से एक लाइन मैन की मौत हो गई, जिससे साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि एक बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जिससे एक लाइन मैन को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं जैसे इस पूरे मामले की जानकारी लाइन मैन के परिजनों को हुई, तो उन सभी का रो रोकर बुरा हाल हो गया।
बदायूं के थाना जरीफ नगर में ग्राम मदारपुर निवासी ने सिपाही पर 31,000 रुपए लेकर रिहा करना और बिना बात हवालात में डालने का आरोप लगाया। दरअसल थाना जरीफ नगर क्षेत्र के ग्राम मदारपुर निवासी दुर्वेश ने पुलिस क्षेत्राधिकारी सहसवान को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के लिए उस्मानपुर पेट्रोल पंप पर वो गया हुआ था। पेट्रोल डलवाते समय थाना जरीफ नगर का कांस्टेबल पवन और अन्य साथी कांस्टेबल ने पीड़ित को लाकर थाने में बंद कर दिया। उसके बाद पीड़ित ने थाने से निकलने के लिए पैसों की मांग की। अब पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। मदारपुर रहते हैं। क्या घटना घटी तो ये? घटना ये घटी थी 13 तारीख को बारात जा रहे थे तो उसमें पेट्रोल पंप से पवन कुमार ने मेरे को उठा लिया, फिर थाने में ले जाके बंद कर दिया। साइकिल थाने बंद रखा, शाम के लिए पिताजी छुड़ाने के लिए गए थे तो पिताजी से 31,000 रुपये लेकर के जब छोड़ा उन्होंने। औरैया के बिधुना कस्बे के मेन चौराहे पर शॉर्ट सर्किट के चलते एक दुकान और मकान में आग लग गई, जिसके बाद चौराहे पर अफरा तफरी मच गई। वहीं घटना के बाद फायर ब्रिगेड, कोतवाली पुलिस और लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान हजारों रुपए का सामान भी जलकर खाक हो गया। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।